हेलो एवरीवन वन माई सेल्फ सोनेश ठक्कर वेलकम एवरीबडी एट नंद क्लासेस मित्रों टेंथ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की सीरीज में आज हमारा थर्ड चैप्टर का सेवन्थ पीरियड है दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ़ लीनियर इक्वेशन क्लियर एवरी तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा कि ये टॉपिक कहना क्या चाहता है दोस्तों सबसे पहले हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया होगा उस वर्ड प्रॉब्लम पर से हमें इक्वेशन डिजाइन करनी है जिसे हम बोलते हैं एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया वो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के बाद यानी कि इक्वेशंस फॉर्म करने के बाद उस इक्वेशन पर से वाई को मेन ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई जो टेबल बनाते हैं वो टेबल बनाने के बाद दोस्तों हमें ग्राफ ड्रॉ करना है वही एल्जेब्रिकली जो हमें इक्वेशन मिली उस इक्वेशन के ऊपर से हमें ग्राफ डिज़ाइन करना है दोस्तों ग्राफ ड्रॉ करना है वो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें जो लाइंस मिल रही है वो कैसी मिल रही है उसके ऊपर से हम डायरेक्टली सॉल्यूशन बोल सकते हैं डायरेक्टली आंसर बोल सकते हैं जैसे कि लेट मी एक्सप्लेन अगर क्या किया एक वर्ड प्रॉब्लम था इक्वेशन डिजाइन की इक्वेशन डिज़ाइन करने के बाद उसके ऊपर से ग्राफ ड्रॉ कर दिया फिर ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें जो दो लाइन मिलती है अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी दोस्तों तो हम बोलेंगे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो एक्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा दैट वी कैन से यूनिक सोल्यूशन यानी अगर हम एक्स वाई डॉन्ट रहे हैं तो उसकी हमें एक एक परफेक्ट वैल्यू मिल जाएगी उसे यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं दोस्तों बट इफ ग्राफ में आर आर अभी आप सोच रहे हो सर यह को दोस्तों जब दो इक्वेशन एक ही होती है यानी कि दो इक्वेशन सेम होती है कोई एक डिजिट हमने कॉमन निकाल लिया फिर दोनों इक्वेशन सेम है तो जब दो इक्वेशन एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी तब हमें एक ही लाइन मिलेगी तो उसे बोलेंगे को इंसिडेंट लाइन्स तो उस टाइम पे इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस वी गेट उस टाइम पे क्या होगा दोस्तों इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस वी गेट जैसे कि जैसे कि हमारा वाई एक्सिस है हमारा एक्स एक्सिस है, है और जो दो लाइन थी सॉरी जो दो इक्वेशन थी जो एक ही इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही थी और उसके लिए हमने टेबल बना के पॉइंट्स मार्क करके कनेक्ट करके जो लाइन ड्रॉ की वो ये है तो दोस्तों यहाँ पे हमें काफ़ी सारे सॉल्यूशन मिलेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा 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 सो दैट्स हाउ वी कैन से कि इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशंस क्लियर एवरी वन लेकिन अगर दोस्तों ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अगर हमें ऐसा मिलता है अगर हमें ऐसा मिलता है तो दोस्तों ये हो गई टू पैरल लाइन्स क्या होगी दोस्तों टू पैरल लाइन्स तो क्या होगा दोस्तों नो no सोल्यूशन क्या होगा दोस्तों नो no सोल्यूशन तो पता चला आपको सिंपल लैंग्वेज में कि आखिर करिए टॉपिक हमें कहना क्या चाहता है वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा उस पर से इक्वेशन डिजाइन करेंगे इक्वेशन डिजाइन करने के बाद उसके ऊपर से ग्राफ ड्रॉ करेंगे अगर हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है देन वी विल से एग्जैक्टली वन सोल्यूशन और वी कैन से यूनिक सोल्यूशन अगर हमें सिर्फ एक ही लाइन मिलती है जिसमें दो इक्वेशन एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है और अगर एक ही इक्वेशन है तो जो ग्राफ में लाइन मिलेगी वो एक ही होगी क्लियर देन इंफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस वी हैव और अगर ग्राफ में हमें टू पैरल लाइन्स मिलती है देन वी हैव नो सोल्यूशन क्लियर एवरी वन चलिए दोस्तों अभी इक्वेशंस लेके रेशियो कैसे निकालते हैं एग्जैक्टली कंपेयर कैसे करते हैं सर एग्जैक्टली exactly क्या करेंगे वो डिस्कस करते हैं चलिए सीरियल नंबर वन टू थ्री पैर ऑफ लाइन्स वन टू थ्री रेशियोज कंपेयर द रेशियोज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वेरी फर्स्ट हमें पैर ऑफ इक्वेशंस दी गई है और वी कैन से पैर ऑफ़ लाइन्स एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो तो अब दोस्तों हमें क्या करना है हमारे पास जो लाइन्स है हमारे पास जो इक्वेशंस है उससे आपको कंपेयर करना है किसके साथ कंपेयर करना है लेट मी एक्सप्लेन पहली जो लाइन है एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो उसको आप कंपेयर करो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सीवन इज इक्वल टू की जीरो के साथ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सीवन इज इक्वल टू जीरो के साथ कंपेयर करो तो क्या मिलेगा एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो डेफिनेटली वन तो यहां पे मिलेगा हमें ए वन इज इक्वल टू वन यहाँ पर y का कोऑफिशन माइनस टू और यहाँ पर y का कोऑफिशन बी वन तो दोस्तों डेफिनेटली क्या मिलेगा बी वन इज इक्वल टू माइनस टू और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं दैट मीन्स डेफिनेटली सी वन इज इक्वल टू क्या मिलेगा जीरो क्लियर एवरी वन अभी दूसरी इक्वेशन क्या है दूसरी इक्वेशन है हमारे पास थ्री एक्स प्लस फोर वाई थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो इसको आप कंपेयर करो किसके साथ कंपेयर करो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो किसके साथ कंपेयर करो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो तो ये हो जाएगा ए टू इज इक्वल टू तो ये हो जाएगा ए टू इज इक्वल टू थ्री ये हो जाएगा बी टू इज इक्वल टू फोर और ये हो जाएगा सी टू इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी क्लियर एवरी वन तो आपको जो भी इक्वेशन दी गई है उस पर से ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू कैसे निकालेंगे क्लियर है अभी क्या करेंगे दोस्तों अभी हमें रेशियो निकालना है ए वन अपॉन ए टू तो ए वन क्या है दोस्तों वन ए टू क्या है थ्री तो डेफिनेटली वन बाई थ्री बी वन अपॉन बी टू बी वन क्या है माइनस टू बी टू क्या है फोर तो डेफिनेटली यहाँ पर हमने लिखा माइनस टू बाई फोर सी वन अपॉन सी टू सी वन क्या इधर जीरो C2 क्या है माइनस ट्वेंटी सो डेफिनेटली जीरोड बाई माइनस ट्वेंटी तो दोस्तों क्या हुआ देखिए ये वन बाई थ्री है अगर इसको कट भी करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू हो जाएगा क्लियर तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ए वन अपोने टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू होता है तो होता होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे ए वन अपोने टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तो फिर बोल देंगे कि लाइन्स आर कोइंसिडेंट लेकिन अगर सबसे पहली कंपैरिजन क्या करेंगे दोस्तों ए वन अपोने टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू लेकिन अगर इज इक्वल टू नहीं है दैट मींस ए वन अपोने टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू दैट कंक्लूड्स इंटरसेक्टिंग लाइंस लाइंस कैसी होगी दोस्तों इंटरसेक्टिंग एंड वॉट वी विल गेट एग्जैक्टली वन सोल्यूशन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एक्स और वाई अगर ढूंढ रहे हैं तो उसकी एक एक इंडिविजुअल परफेक्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी क्लियर एवरी वन चलिए अभी आगे बढ़ते हैं दिस इज द सेकेंड पेयर ऑफ इक्वेश क्या किया इसी तरीके से हमने ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू निकाल लिया निकाल लेने के बाद क्या किया हमने दोस्तों निकाल लेने के बाद हमने रेशियो निकाला ए वन अपॉन ए टू टू बाय फोर वन बाय टू थ्री बाय सिक्स वन बाय टू माइनस माइनस कैंसल नाइन टू सेवटीन अगेन वन बाय टू तो सभी जगह पर क्या मिला वन बाय टू वन बाय टू वन बाय टू देन वी कैन डेफिनेटली से ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू देन लाइन कैसी होगी दोस्तों को इंसिडेंट लाइन यानी दो इक्वेशन एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है और एक इक्वेशन है तो ग्राफ में हमें जब ड्रॉ करेंगे तो एक ही लाइन मिलेगी देन वी कैन डेफिनेटली से इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस वी हैव जो अभी स्टार्टिंग में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ठीक है थर्ड पेर ऑफ इक्वेशन ओके क्या बोला है दोस्तों ये दो इक्वेशन है हमारे पास क्या निकाला हमने ए वन बी वन सी वन ए रेशियोज कंपेयर किए क्या आया दोस्तों ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू चलिए देखते हैं वन बाय टू टू बाय फोर क्या हो जाएगा वन बाय टू लेकिन ये माइनस फोर अपॉन माइनस ट्वेल्व तो क्या हो जाएगा दोस्तों वन अपॉइन थ्री हो जाएगा पता चला वन बाय टू 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 जै फोर वन बाय टू फोर थ्री जी ट्वेल्व माइनस माइनस तो वैसे कट हो जाएगा तो वन अपॉइन थ्री तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट इज़ नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तो उस टाइम पे क्या होगा दोस्तों वी गेट पैरल लाइन्स इन ग्राफ दैट कंक्लूड्स नो सोल्यूशंस वी हैव दोस्तों हमें कुछ सोल्यूशन नहीं मिलेगा क्लियर एवरी दोस्तों हमारे प्रीवियस पीरियड में हमने एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन कंप्लीट की थी अभी आज ये एक नया टॉपिक है दोस्तों ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे जितने भी एग्जाम्पल आएंगे आगे हम स्टार्ट करेंगे इसमें मतलब 3.2 में आगे जो एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे उसमें ये टॉपिक का बहुत ही हाई लेवल का इंपॉर्टेंस है क्या होगा दोस्तों एग्जैक्टली exactly हम एक वर्ड प्रॉब्लम देंगे वर्ड प्रॉब्लम पर से हमें इक्वेशन डिजाइन करनी है इक्वेशन के ऊपर से ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद क्या मिल रहा है हमें इंटरसेक्टिंग लाइन कोइंसिडेंट लाइन या पैरल लाइन्स वो हमें जो आंसर देना है जो सॉल्यूशन देना है वो सीधा ग्राफ पर से देना है क्लियर एवरीवन और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी होंगे जहाँ पर रेशियो का यूटिलाइजेशन करेंगे क्या करेंगे जहाँ पर रेशियो का यूटिलाइजेशन करेंगे क्लियर एवरी वन तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कहाँ से याद होना चाहिए देखिए ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इक्वेशंस कैन बी एनीथिंग तो रेशियो कैन बी एनीथिंग लेकिन यहां से ऑनवर्ड्स यहां से ऑनवर्ड्स एक्जैक्टली exactly. यहां से ऑनवर्ड्स ये पूरा आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए कि किस प्रकार का हमें रेशियो मिलेगा किस प्रकार का हमें रेशियो मिलेगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बोलता है और एल्जेबिक इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है तो दोस्तों यहाँ से ऑनवर्ड्स आपको बहुत ही परफेक्टली याद होना चाहिए याद करने के बाद एक ब्लैंक पेज पर आप सेल्फ वेरिफिकेशन लो कि आपको सही में याद रहा है कि नहीं याद रहा है बिकॉज आगे चल के एग्जाम्पल्स में एक्सरसाइज 3.2 में इट इज़ हाईली यूज़फुल इट इज़ हाईली यूजफुल एंड नेसेसरी क्लियर एवरी वन ओके तो टिल देन यहां तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद थैंक यू